जब कांग्रेसी चमचे आपसे पूछे कि मोदी ने 9 सालों में ऐसा क्या किया है जो फिर से उनको वोट देने की सोच रहे हो, तो उन्हें बता देना कि तुम्हारे चाचा नेहरू ने साल 1961 में जिस सरदार सरोवर डैम को बनाने का सपना देखा था, 56 साल बाद 2017 में उनके सपने को मोदी जी ने पूरा किया। जिन गांधी जी की वजह से तुम्हारे चाचा नेहरू पहली बार पीएम बने और देश को हमारे लिए परिवारवाद की बीमारी दे गए, उन गांधी जी के स्वच्छ भारत के सपने भी मोदी जी ने ही पूरा किया। न तुम्हारे चाचा पूरा कर पाए, न कोई नेहरू गांधी परिवार। यही नहीं, नेहरू के पोते राजीव गांधी का महिला आरक्षण बिल पास कराने का 36 साल पुराना सपना, जो वो रिकॉर्ड बहुमत मिलने के बाद भी पूरा नहीं कर पाए थे, उसे भी मोदी जी ने ही पूरा किया। अरे बाकी छोड़ो, तुम्हारे कथित अर्थशास्त्री पीएम मनमोहन सिंह का दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे बनाने का सपना, जो उन्होंने साल 2006 में ही देखा था, उसे भी तो साल 2021 में मोदी जी ने ही पूरा किया। इतना ही नहीं, लाल बहादुर शास्त्री जी के सशक्त भारत के सपने को सही मायनों में मोदी जी ने ही पूरा किया, क्योंकि आज भारत इतना सशक्त है कि कोई दुश्मन देश आंख उठाकर भी नहीं देख सकता है। यही नहीं, कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाकर अटल जी के सपने को किसने पूरा किया? मोदी जी ने। तुम्हारा नेहरू गांधी परिवार तो कभी कर भी नहीं पाता, क्योंकि इसी परिवार ने तो इसे नासूर बनाया था कश्मीर में अनुच्छेद 370 लागू करके। मोदी जी नहीं होते तो क्या कश्मीर में ये भाई बहन बिना डरे बर्फ में मौज मस्ती कर पाते? क्या कांग्रेसी चमचे बिना किसी खौफ के लाल चौक पर तिरंगा फहरा पाते? ये तो कुछ भी नहीं। अयोध्या में राम मंदिर बनाने का करोड़ों भारतीयों का सपना भी तो मोदी जी की सरकार में ही पूरा हो पाया ना। अयोध्या में आज उन्हीं भगवान राम का भव्य राम मंदिर बन रहा है, जिनको कांग्रेसियों ने कोर्ट में एफिडेविट देकर काल्पनिक बता दिया था। इतना ही नहीं, उड़ान योजना के माध्यम से हवाई चप्पल वाले आदमी का हवाई जहाज में बैठने का सपना मोदी जी ने ही पूरा किया ना। 49 साल तक सत्ता में रहने के बाद भी नेहरू गांधी परिवार ऐसा कर पाया था क्या? पहली बार मोदी सरकार में गरीबों को बिना उनकी जाति देखे आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को EWS के तहत 10% आरक्षण का सपना मोदी जी ने ही पूरा किया ना, वो भी बिना वोट बैंक की चिंता किए। तो कांग्रेसी चमचों, जब तुम्हारे सारे पूर्वजों, तुम्हारे बड़े नेताओं और देश की करोड़ों जनता का सपना मोदी जी पूरा कर रहे हैं, तो वोट तुम्हें क्यों देंगे? फिर से चीन के साथ गुप्त डील साइन करने के लिए?